नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहां पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि दोनों का अगर सेगमेंट देखें, फिंगर का और पाम का, दोनों तकरीबन सेम है, तो उस कारण से ये एक प्रकार के एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाता है। यानी नॉर्मली ऐसे जातक सोच विचार के अत्यधिक कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी हड़बड़ी ऐसा कोई नेचर का सिग्नेचर यहाँ पर होता नहीं है, और साथ ही साथ हर परिस्थिति माहौल में इजीली अपने आप को एडजस्ट कर पाने में सक्षम भी रहते हैं। ओवरऑल देखे जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी इन लोगों में बहुत रहता है, चाहे वो मेंटली लेवल पे कहें, फिजिकली लेवल पे कहें, ओवरऑल हर प्रकार के कार्य करने में सक्षम रहते हैं और अधिकतर किसी भी काम को ना ज़्यादा नहीं करते हैं। फिंगर की लेंथ पर आएँ तो यहाँ देख पाएंगे कि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक लिटिल फिंगर की लेंथ जो है पहुँच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल में इस कारण से प्रॉब्लम नहीं रहता है, अपनी बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल ठीक देखने को मिलता है, मार्केटिंग स्किल भी अच्छा रहता है, यानी जो भी आपके अंडर में काम आएगा उस पर परफेक्टली रिएक्ट करेंगे और परफेक्टली उसको कर भी पाने में आप सक्षम रहेंगे। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ तकरीबन यहाँ सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को बेसिकली इंडिकेट करता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या एक प्रकार से अपने अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, नॉलेज है, उनको और ज़्यादा बढ़ाते रहना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। क्योंकि गुरु होता है गुड लीडरशिप क्वालिटी, और यहाँ सन जो है देता है वो एक प्रकार से बेसिकली रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रिस्क टेक कर भी बनाता है, जिसके कारण कभी भी रिस्क लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे, हिम्मती स्वभाव अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर इस प्रकार का फिंगर का फॉर्मेशन है जो बहुत अच्छा है, बट यहाँ जो सीधी खड़ी रेखा है उस पर आड़ी रेखा होना सही नहीं माना जाता है, क्योंकि ये रिलेशंस में एक प्रकार से अनबन, मतभेद या बहुत जल्दी दूसरों की बातों पर रिएक्ट कर देना या दूसरे की बातों से थोड़ा जल्दी हर्ट हो जाना, वैसे योग यहाँ पर बनते हैं। अब ये क्यों बनते हैं आगे चल के इस पर चर्चा मेजरली किया जाएगा। बाकी मित्रतापूर्वक स्वभाव ठीक रहेगा आपका, और अंदरूनी व बाहरी मंगल की बात करें तो ये भी क्षेत्र डेवलप्ड हैं फिंगर के अकॉर्डिंगली भी, तो इस कारण से स्टेमिना एनर्जी ठीक रहेगी। थम के साइज़ की बात करें तो थम का साइज़ पीछे की ओर बेंड हो रहा है, तो बहुत एडजस्टिंग नेचर होने के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, लविंग और केयरिंग पर्सनैलिटी के अब ज़्यादा हैं। थम की लेंथ भी लॉन्ग है, पीछे की ओर बैंड हो रहा है, इट मीन्स लव केयर ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं लाइफ में। यानी कोई भी आपसे मीठे से बात कर ले या अच्छे से आदर सत्कार कर ले, थोड़ा सा पूछ परख भी कर ले, आप बहुत ईजिली उसके प्रति अपना जो है एक प्रकार से क्या कह सकते हैं कि इस सिंपैथी लेकर के आ जाएंगे। तो इस कारण से एक प्रकार से सिंपैथेटिक नेचर आपका आपके लविंग एंड केयरिंग अंडरस्टैंडिंग पर्संस के तरफ ज़्यादा रहेगा। इसमें तकलीफ ये हो जाती है कि जब थंब इस प्रकार से हो और लिटिल फिंगर के अलावा यहाँ देखें आप, तो जो आपकी हार्ट लाइन है वो गुरु से यहाँ पर कनेक्टेड है, तो हो ये जाता है कि एक्सपेक्टेशन दूसरों से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इमोशनल या सेंटिमेंट्स लाइफ में थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अदरवाइज कोई यहाँ मेजर प्रॉब्लम इसके अलावा नहीं है। फर्स्ट फिलेंज की लेंथ की बात करें या सेकंड फिलेंज की, तो सेकंड फिलेंज की लेंथ ज़्यादा है, तो इस कारण से कहीं ना कहीं आप सोचते ज़्यादा हैं, कर कम पाते, क्योंकि आपका लॉजिकल नेचर ज़्यादा डेवलप्ड हो रखा है इन कंपेरिजन टू विल पावर। तो करने की क्षमता आपके अंदर ठीक है, लेकिन सोचते ज़्यादा इतना ज़्यादा है कि वो सारी चीज़ें फिर कहीं ना कहीं कर नहीं पाते हैं। बात करें यहाँ पर आपके थंब पर यव के चिन्ह की, तो ये भी डेवलप्ड कुल मिलाकर के ठीक है, लेकिन पैसा रुकेगा नहीं हाथ में, क्योंकि आपका यव का चिन्ह यहाँ पर ओपन है, तो पैसा जितना भी आ जाए रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। अदरवाइज देखें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ यहाँ पर स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट अच्छा हो रहा है, जो बेसिकली एक हार्ड वर्किंग नेचर को यहाँ इंडिकेट करता है। और जैसे और ज़्यादा बारीकी पे यहाँ पर आए तो देख पाएंगे कि इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन डेवलप ठीक है, थिंकिंग जोन भी डेवलप्ड है, एक्शन जोन भी डेवलप ठीक है, पर सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन जोन डेवलप है। इट मीन्स आपका आपके लाइफ के प्रति ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु पर यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी पहुँची हुई है, जिस कारण से आपके अंदर एम्बिशन, ड्रीम, डिज़ायर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और हमेशा आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते या एक प्रकार से हमेशा कुछ ऐड करते हुए ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि गुरु पर जब इस प्रकार की रेखा पहुंचती है तो ऐसे व्यक्ति कभी भी पीछे नहीं जाते, पीछे मीन्स जितना है उतना पर सीमित नहीं रहते, हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो आप देख भी सकते हैं आपकी स्टार्टिंग लाइफ में इतनी ज़्यादा रॉयल्टी कहें, सुख सुविधाएं कहें, तो वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा
थी नहीं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है, टाइम को लेकर के ड्यूरेशन बढ़ रहा है, किसी भी चीज़ में थोड़ा टाइम ज़्यादा अगर लग रहा है तो देखिएगा कितना अच्छा उसका रिस्पॉन्स फिर बाद में निकल के आएगा। यानी धीरे धीरे करके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, सुख सुविधाएँ, सब चीज़ बढ़ने लगती है। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। तो बहुत अच्छा इस कारण से लाइफ स्मूथ और ग्रोथ दोनों जो है इस कारण देखने को अच्छा मिलता है। यहाँ की आड़ी रेखा आपको स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छे देगी। जैसे जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान बहुत अच्छा यहाँ देखने को मिलेगा। और ओवरऑल गुरु का माउंट डेवलप ठीक है, तो मेरिड लाइफ और चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा माना जाता है, तो इसलिए कोई आपको मेजर इशू यहाँ आएगा नहीं। सैटर्न माउंट थोड़ा वीक हो गया है, तो इस कारण से कार्यों में विलंब होता है थोड़ा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर आपकी फेट लाइन की, तो वो शुक्र की रेखा के साथ मर्ज हुई है और फिर यहाँ पर ये फेट लाइन कंटिन्यूस आगे चलते हुए माइंड लाइन से फिर एक रेखा जो है ओवरलैप होकर के सैटर्न तक पहुंच रहा है। तो भाग्य रेखा की बात करें तो ये कंपैरेटिवली बहुत अच्छा आपका चल रहा है। और जहां तक रही अभी की उम्र की बात, यानी 40, तो उसके बाद तो यहां पर डबल लाइन भी देखने को मिल रही है। तो क्लिनिक खोलना या एक प्रकार से और कोई दूसरा सोर्स इनकम का जनरेट होना, उसके चांसेस पूरे हैं। और ये चांसेस आपको 41 के लमसम तक स्टार्ट हो जाएगा, 39 से 41 के बीच में। इसके अलावा यहाँ देखें तो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगा, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और जितना एम्बिशन, ड्रीम, डिज़ायर है सब पूरा होगा। क्योंकि यहाँ पर ये लाइन ना शनि पर झुकी है ना सूर्य पर, ये मिडिल जो है जा रही है, तो उस कारण से एक तो सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और सन देता है नेम, फेम, रिस्पेक्ट, तो ये मिलने के चांसेस भी यहाँ पर ब्राइट है। ओवरऑल सैटर्न माउंट देखा जाए तो कोई नेगेटिव नहीं है, सेपरेट मल्टीपल्स लाइन आ रही है, तो उस कारण से ये जरूर रहेगा कि एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का मन करने लगेगा। वहीं बीच में जो ये रेखा गई है ये अच्छे नॉलेज, एडवाइज़र, गाइडर को इंडिकेट करती है। और सन माउंट भी थोड़ा सा दबरा है, तो नेत्र या आई साइड से रिलेटेड थोड़ा ट्रबल इसमें आता है। ओवरऑल देखें तो जो सन माउंट है उसके नीचे आपका स्क्वायर का साइन बहुत अच्छा क्रिएट हुआ है, जो प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेस्ट माना जाता है। और ये भी 41 प्लस एज के बाद, यानी 43 के लमसम में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है। सन लाइन की सेपरेटली बात करें तो डबल सन लाइन चल रही है, जिसके कारण ये डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को और डबल सोर्स ऑफ नेम, फेम को भी इंडिकेट करता है। एक से ज़्यादा माध्यमों से नाम भी होगा, धन भी आएगा, सक्सेस भी लाइफ में प्रॉपरली मिल पाएगा। क्योंकि इन रेखाओं के द्वारा आप देखेंगे तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ, स्क्वायर का फॉर्मेशन हुआ, ये बहुत शुभ माना जाता है। ये पिता के संबंध में भी अच्छा होता है, हस्बैंड के संबंध में भी अच्छा रिएक्ट करता है, जिसके कारण नाम, ख्याति आपके कारण आपके स्पाउस में, घर वालों में किसी न किसी को मिलेगा। तो ये बहुत शुभ चीज़ है यहाँ पर, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी पूरा लाइफ में। थोड़ा ये ज़रूर है कि भागा दौड़ी ज़्यादा बढ़ेगी आपकी, लेकिन बहुत बेहतरीन आपकी लाइफ रहेगी, बहुत इज्जत, सम्मान, सब चीज़ मिलने वाला है, कोई तकलीफ नहीं। क्योंकि सूर्य पर पॉजिटिव साइन है, गुरु पर पॉजिटिव है, तो इज्जत, प्रतिष्ठा तो बहुत बेहतरीन मार्केट में रहता है। मर्करी माउंट डेवलप्ड अच्छा है, एक से अत्यधिक रेखा गुड हीलर को इंडिकेट करती है। जो कोई भी आपके पास आएगा कहीं ना कहीं संतुष्ट होकर के, मोटिवेट होकर के जाएगा, ये बात कंफर्म है। इसलिए लोगों को आपके पास आने में भी अच्छा फील होगा, क्योंकि जब इस प्रकार की रेखा होती है तो ये सिंपैथेटिक नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं जैसे दूसरों का दुख दर्द समझ पाना या उनको हील किसी न किसी वे में अच्छा कर पाना। तो जितने भी मेजर डॉक्टर्स अच्छे देखने को मिलते हैं, वैसे सभी डॉक्टर अच्छे हैं, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, हीलर्स, सबके हाथ में इस प्रकार की रेखाएं अवेलेबल होती हैं। तो ये पॉजिटिव साइन है, और ऊपर से गुरु माउंट, माफ़ करें, बुध माउंट डेवलप भी है, तो ये भी अपने आप में इस जो क्वालिटी से इसको और ज़्यादा निखारेगा। आपकी हार्ट लाइन थोड़ी ब्रॉड होकर के चल रही है, पहले ये ब्रॉड इतनी थी नहीं, ये जो ब्रॉड हुई है ये इमीडिएटली हुई है आपकी तकरीबन 42-43 एज के लमसम के बाद से। उसके बाद जा करके कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने लगेंगे। अभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी ये जो लाइन है सीधे स्मूथ चल रही है, सैटर्न पर एक रेखा और गुरु से कनेक्टेड हुई है, फिर एक रेखा यहाँ पर हार्ट लाइन की तरफ जा रही है। तो ये एक प्रकार के बैलेंस्ड नेचर को इंडिकेट करता है कि इमोशनल तो हैं आप, लेकिन प्रैक्टिकल नेचर के भी हैं। अब यहाँ एक चीज़ देखेंगे आप कि जो आपकी हार्ट लाइन है वो हेड लाइन से कनेक्टेड हुई है। इस कारण से होता यह है कि जितना भी व्यक्ति इमोशनल हो जाए, जितना भी सेंटिमेंट्स हो जाए, लेकिन एट द एंड अगर निर्णय लेंगे तो अपने हेड लाइन के अकॉर्डिंगली है, यानी जो माइंड में रहेगा एट द एंड उसी की सबसे ज़्यादा सुनने वाले रहेंगे। यानी जो कैलकुलेटिव स्किल देखने को कहें या सोचने विचारने की पद्धति को कहें, तो उस कारण से कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे नहीं लेंगे। तो ये चीज़ इनमें जो है खास है, जिसके कारण ये चीज़ें बैलेंस्ड हो गई है। अदरवाइज़ होता ये है कि सिर्फ इमोशनल नेचर रहता तो ये जो फील्ड है इसमें ये चीज़ काम नहीं करती है।
तो इस कारण से ये फॉर्मेशन भी कुल मिला करके आपको बैलेंस्ड करके रखेगा आपकी इमोशंस फीलिंग्स में। लेकिन 43 के एज के बाद थोड़ा सा डिटेल थिंकिंग या एनालिसिस आपका बढ़ने वाला है। माइंड लाइन की जहाँ तक बात करें तो माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है, तो तकरीबन बचपन से ही हर प्रकार की इंडिपेंडेंस या सुख सुविधा आपको मिली हुई है, जिसके कारण ये थोड़े ज़िद्दीपन को भी व्यक्त करता है। और मंगल से भी इसकी कनेक्टिविटी है, तो थोड़ा इन्फ्लुएंस भी दूसरों के बातों से आप खो जाने के योग भी देखने को मिल रहे हैं। माइंड लाइन स्ट्रेट यहाँ पर चल रहा है और इस माइंड लाइन में से एक शाखा ऊपर की ओर भी गई है, जिसके कारण ये बायफोर्क हुआ है, तो ये भी एक रिसर्चिंग नेचर को ही इंडिकेट करता है। और ये थिंकिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग स्किल, इन सारे चीज़ों में और ज़्यादा बढ़ोतरी करता है। तो जब माइंड लाइन में बायफोर्क जब भी होता है, तो आप जैसे लोगों में इंटेलिजेंसी का है, थिंकिंग एबिलिटी का है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला होता है। तो ये यहाँ सबसे अच्छा पॉजिटिव साइन है। फिर और भी यहाँ रेखाएँ ये हल्की हल्की सी निकली हैं, ये सारी की सारी प्रोग्रेस दिलाती हैं और इस कारण से व्यापार से भी लाभ अच्छा देखने को मिलता है। आप किसी भी प्रकार का व्यापार करें, सब में आपको ग्रोथ अच्छा मिलेगा। और माइंड लाइन सबसे मेन बात स्ट्रेट है, तो बिना लॉजिक लगाए आप कोई भी काम इस कारण नहीं करेंगे। लॉजिक लगाएंगे परफेक्ट बैठेगा, एनालिसिस करेंगे परफेक्ट बैठेगा, तब जा करके अपना जो वर्क है या डिसीजन है उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। और पुराने से पुरानी बातों को याद रखने में भी आप सक्षम अच्छे रहेंगे। लाइफ लाइन की बात की जाए तो स्टार्टिंग में लाइफ लाइन आपका फेट लाइन अच्छा है, उसमें नो डाउट कि अच्छे फैमिली में या हर प्रकार की सुख सुविधाओं में जन्म हुआ है, लेकिन लाइफ लाइन इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, तो किसी न किसी वे में हेल्थ रिलेटेड भी इश्यूज़ या स्टडीज़ में आपको प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आया है। जब ये प्रोग्रेस लाइन निकली है, उम्र है तकरीबन आपका 16, 20 और 22, तब से जा करके आपका जो लाइफ लाइन कहें, माइंड लाइन कहें, इंडिपेंडेंट अच्छा हुआ है। लाइफ लाइन का फ्लो सीधे के सीधे शुक्र की तरफ आया है। उम्र 80 क्रॉस ये इंडिकेट करता है। शुक्र की तरफ आने के कारण फैमिली की तरफ फोकस ज़्यादा बढ़ जाता है और फैमिली से दूर रह पाना फिर मुश्किल होता है और फैमिली को लेकर के सेक्रीफाइसेस भी ज़्यादा होते हैं। सपोर्टिव लाइन चल रही है, स्पाउस का सपोर्ट कहें, बाहरी लोगों का सहयोग कहें, हमेशा मिलते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रीम डिज़ायर जिसके कारण कंप्लीट होते हैं और जो लाइफ में थोड़े ट्रबल आते हैं, चाहे फिजिकल, मेंटल हेल्थ, किसी भी चीज़ को लेकर, वो ओवरकम होता है। यही रीज़न है कि कुछ राहु की रेखाएं भी यहाँ पर काट की गई हैं, लेकिन वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं की होगी। मेजर जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड राहु लाइन है वो आपको यहाँ पर काट रही है। ये जो उम्र है तकरीबन आपका ये है 39 से 41 के बीच में, ये टाइम पीरियड थोड़ा सा टफ रह सकता है, लॉसेस देखने को मिल सकते हैं, बाकी ओवरऑल इसके अलावा कहीं भी नहीं है। और यहाँ जो आपके फेट लाइन में भी चेंजेस हुआ है, इस कारण से आपके अर्निंग में जो है चेंजेस बेसिकली 33 के एज के बाद ही देखने को मिला है, और उसके बाद और ज़्यादा इम्प्रूव आपके अर्निंग में जो हो रहा है वो 41 के एज के लमसम से हो रहा है। तो हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहती है और ये जो रेखा, इस रेखा ने ज़्यादा अफेक्ट इसीलिए नहीं किया क्योंकि सपोर्टिव लाइन बहुत पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट कर रही है, तो इस कारण से ज़्यादा ट्रबल आता नहीं है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो और प्रोग्रेस लाइन है, ट्रायंगल का साइन है, फिर एक और ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ बना हुआ है, तो ये प्रॉपर्टी को ही इंडिकेट करता है। ये प्रॉपर्टी के योग भी 48 के लमसम में ज़्यादा आपके देखने को मिल रहे हैं, 48 के एज के राउंड में। मंगल की बात करें तो अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, बाहरी मंगल भी अच्छा विकसित है, लेकिन बाहरी मंगल पर आड़ी रेखा थोड़ी सी ज़्यादा है जो कि कोर्ट कचहरी के मामलों तक भी ले जाती है, तो इस कारण से एग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, जल्दबाजी, इन सब से दूर रहना अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर देखें तो माइंड लाइन की भी कनेक्टिविटी यहाँ तक जा रही है जो कि कूल काम पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, तो ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादा आता नहीं है। अब ये जो रेखाएं हैं ये डायरेक्ट अफेक्ट कर रही है आपके चंद्र पर, जब चंद्र पर इस प्रकार की आड़ी रेखा होती है तो ये बेचैनी को व्यक्त करता है, एक प्रकार से फोकस में थोड़ी कमी आती है, मन बहुत जल्दी भटकने लगता है और मल्टी थाट्स, मल्टी टास्किंग नेचर ये होने फिर लगता है, बेफिजूल का डर भय चिंता भी फिर देखने को मिलता है। और यहीं पर एक स्क्वायर का साइन है, तो ये बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी को भी इंडिकेट करता है। बहुत पॉजिटिव साइंस भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पर एक जो मर्करी लाइन ये निकला है, इस कारण से मनी ट्रायंगल का फ्लो फिलहाल के टाइम पे थोड़ा इनकम्प्लीट है, लेकिन इन फ्यूचर अगर ये कम्प्लीट होता है देन आफ्टर पैसा अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी, उसका सदुपयोग भी होगा। तो मनी को लेकर के कोई प्रॉब्लम बेसिक ऐसा है नहीं, जैसे अंदरूनी मंगल विकसित अच्छा है तो फिजिकली फिट रहेंगे आप, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा फिजिकली आपको, और मानसिक रूप से कुल मिलाकर के नॉर्मल यहाँ देखने को मिल रहा है। बस कोई ना कोई आपको हिम्मत देने वाला होना चाहिए, फिर आपको कोई भी मेजर प्रॉब्लम ट्रबल नहीं आएगा।
शुक्र का क्षेत्र विकसित अच्छा है, जो कि अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छे रहन सहन खान पान को, साफ सफाई का ध्यान आप बहुत ज़्यादा रखेंगे, और घूमना फिरना शौक अरमान ये सारी चीज़ें रहेगी। बहुत हाइजीनिक टाइप ऑफ नेचर भी यहाँ देखने को जब शुक्र डेवलप हो तो दिखता है। यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज फैमिली लाइफ को लेकर के देती है, अदरवाइज़ कोई भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। सपोर्टिव लाइंस बहुत अच्छी चल रही हैं, तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी आएगी जिसको ग्रैब करके आगे भी अच्छा बढ़ेंगे। केतु पर क्लियर कट फिश सिंबल है, जिसके कारण जीवन में जो है लाइफ में सडन गेन वेल्थ प्रोग्रेस मिलता है, और इसका झुकाव सीधे सूर्य की तरफ है। जितना हो सके धार्मिक रहें या दिन भर में कुछ समय धार्मिक क्रियाकलापों को, पूजा पाठ को दे, तो इससे हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और जो लाइफ में सडन गेन वेल्थ होता है वो हमेशा होते रहेगा। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव बात है। चंद्र से भी भाग्य रेखा कनेक्टेड है, तो बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों का सपोर्ट अच्छा मिलता है। क्लाइंट्स विदेश से भी आपके जो है रहने के चांसेस यहाँ ब्राइट हैं। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। चंद्र थोड़ा सा जो है डिमेरिट जो है देने वाला मुझे दिखा यहाँ पे। बाकी सेपरेटली बात करें लेफ्ट हैंड की, तो यहाँ तो क्लियर कट आपकी फेट लाइन गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्मूथ लाइफ रहेगी। आफ्टर मैरिज भी लाइफ में बहुत ग्रोथ मिलता हुआ दिख रहा है, और उसमें जब सेल्फ मेड लक लाइन जुड़ रहा है तो लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। और अगर लव मैरिज ना भी हो तो भी अरेंज कम लव बहुत बेस्ट देखने को मिलता है, जिसके कारण मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा जो है एक प्रकार से संतुष्टि और हैप्पीली जो है रनिंग करने वाली रहती है। तो बहुत पॉजिटिव ये साइन यहाँ देखने को मिले हैं। चंद्र का क्षेत्र थोड़ा ओवर डेवलप है, तो इसके कारण थोड़ा सा एक्सप्रेशन ज़्यादा देना या थिंकिंग ज़्यादा करना, वैसी एबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।